ये कितने दिनों का मेला होता है? ये एक पूरा महीने का मेला होता है। बहुत ही बड़ी और अंदर से आप को दिखा नहीं सकते क्योंकि आगे से पर्दा लगा हुआ है और बहुत ही बड़ी ये मूर्ति बन रही है। नमस्ते, देख रहे हैं आप काली माता की ये मूर्ति है। तो नमस्ते, जय श्री राम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस हम इस वक्त मौजूद माँ भवानी सिंह, माँ भवानी सिंह का जो कि यहाँ पे मंदिर है, विराजमान है, तो उस पे आपको चलते विजिट करवाते हैं। उसका माता सिंह भवानी ये लिखा होगा, माता सिंह भवानी जो कि ये बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। और पहले हम चलते हैं इसके अंदर, आपको चल के आज का विजिट करवाते हैं। और इससे पहले के थोड़ा सा यहाँ पे इसके साइड का जो कि व्यू विजिट करवाते हैं, ये देख रहे हैं कुछ फूलों की पत्तियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये दरबार के अंदर लेके जानी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये देख रहे हैं ताजी लस्सी जो कि बन रही है, ये भाई बना रहा है। कितने का गिलास दिया है? 40 का गिलास ये दिया है लस्सी का। और इसके बाद ये देख रहे हैं आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है रिफ्रेशमेंट के लिए। और चलते हैं आगे, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं काफी सारे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए चीजें यहाँ पे दस्तियाब हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये काफी सारे यहाँ पे बैठे हुए ऑलरेडी यहाँ पे यात्री जो के मौजूद है। और ये मेन गेट है इसका अंदर इन होने के लिए, यहाँ पे भी फूल के पत्तियां वगैरह यहाँ पे भी पड़ी हुई है। और ये माता भवानी सिंह का जो की मंदिर है, अंदर से इसका व्यू कुछ इस टाइप का, ये देख रहे हैं आप, ये अंदर से व्यू इसका कुछ इस टाइप से है। और ये साइड का ये दरख्त देख रहे हैं आप, इसने यहाँ पे मन्नतें वगैरह मांगी हुई है, ये धागे उस से बांधे हुए। और ये भी लगी हुई एक छोटी सी कंटीन, एक छोटी सी बच्ची चला रही है, इसको हैंडल कर रही है। नमस्ते, मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी मतलब काफी हद तक यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे है, देख रहे हैं आप ये सारे ये खिलौने वगैरह बच्चों के। और इसके अलावा आगे भी मतलब ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पे दस्तियाब, ये देख रहे हैं ज्वेलरीज वगैरह। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे ये देख रहे हैं आगे भी बहुत ही ज्यादा मंदिर बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हैं, ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे रखी गई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान है छोटे से रूप में, माता शेरावाली, शिव जी भगवान जी, गणेश जी भगवान, माता पार्वती यहाँ पे, मतलब लक्ष्मी माता भी यहाँ पे है। और ये भाई जो के यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह सेल कर रहे हैं। तो कितने की मूर्ति दी है बड़े वाली, ये गणेश जी भगवान जी की? कौन सी? यानी ये शेरावाली माता की? कितने की? 600 ये शेरावाली माता की जो कुछ 600 की मूर्ति है, 500 में फाइनली डन करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गणेश जी भगवान जी की मूर्ति भी है, ऊपर भी मंदिर है आप देख सकते हैं, ये सामने ऊपर भी है और इस साइड पे भी है। और पहले जो कि चलते हैं इसके अंदर, ये आपको दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू, चलते हैं। काफी सारे यात्री जो कि हमारे साथ थे वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और पहले ये देख रहे हैं आप मंदिर कुछ इस टाइप का, ये देखें ये मंदिर है कुछ इस टाइप का, इसका व्यू है ये देख रहे हैं। और हमें यहाँ पे पहले चप्पलें अपनी उतारनी पड़ेगी साइड पे। सोना मंदिर हो चुके हैं और अंदर चल के आपको इसका विजिट करवाते हैं। ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप शाम की कुछ इस टाइप की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, ये देख रहे हैं नक्शा बनाया गया है। और इसके साइड में कुछ इस टाइप का, इसके ऊपर में देख सकते हैं आप, और साइड में कुछ इस टाइप का ये है यहाँ पे, ये देख रहे हैं धुई जिसे कहते हैं, ये है धुई जलाई गई है। और इसके बाद जो कि यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे वो ले रहे हैं धुई की जो खाक वगैरह प्रसाद समझ ले वो है ये प्रसाद। और ये देख सकते हैं ये मंदिर है कुछ इस टाइप का नीचे से, और चल के आपको इसका नीचे से विजिट करवाते हैं। देखिए काफी नीचे मतलब ये मंदिर बनाया गया है और काफी सारे यात्री जो के यहाँ पे मौजूद है गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप नजर आ रहा होगा सामने ये। और चलते हैं आगे, आपको बताते हैं विजिट करवाते हैं कुछ देर के लिए और आरती जो कि कम्प्लीटली हो जाएगी। तो साइड का विजिट कुछ इस टाइप का, ये देख रहे हैं ये कुछ ऐसे ये हाल बनाया गया है बैठने के लिए, ये सारा हाल जितना भी है बैठने के लिए है। और
और साइड में यहाँ पे मतलब वानी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे माता और इसका भी आपको विजिट करवाते हैं। इसकी देख रहे हैं कितनी बहुत ही प्यारी लेवल वाली लग रही है। सो नमस्ते, देख रहे हैं आप काली माता की ये मूर्ति है बहुत ही प्यारी। और यहाँ पे ये एक ग्लव बनाया गया है पैसे वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे ये दीप वगैरह जल रहा है, आप देख रहे हैं ये दीप वगैरह जल रहा है यहाँ पे। काफी सारी माताएं यहाँ पे यात्रा पे निकली हुई है साथ में हमारे। और भी आगे हम चलते हैं अंदर, आपको अंदर का विजिट करवाते हैं और भी अंदर। पहली माता भवानी यहाँ पे विराजमान है, आप देख सकते हैं शेर पे सवारी, और आपको इसका विजिट भी करवाते हैं। और पास में छोटी सी गणेश जी भगवान जी की मूर्ति भी यहाँ पे विराजमान है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी लेवल वाली लग रही है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये त्रिशूल है, और हम भी पहले प्रणाम करते हैं, जय माता दी, जय माता दी। और ऊपर से कुछ इस टाइप का इसका व्यू है, देख सकते हैं काफ़ी हद तक बेटर खूबसूरत लग रहा है। और पहले हम दूसरे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हैं कुछ माताएं की मूर्ति यहाँ पे भी विराजमान है, और इसका भी आपको विजिट करवाते हैं, देख सकते हैं आप ये। मंदिर काफ़ी हद तक बहुत ही बड़ा है और लेवल वाला व्यू है इसका, अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा लेवल वाला, काफ़ी होके आनंद आया। तो चलते आगे भी आपको विजिट करवाते हैं, ऐसे करवाते रहेंगे। और ये भी देख सकते हैं आप, इस तरह को भी मतलब धागे वगैरह बांधे हुए हैं, ये भी कुछ लोगों की मन्नतें हैं यहाँ पे मांगी गई है। सो भगवान साहब की मन्नतें पूरी करें। सो चलते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह के कूलर वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे पानी वगैरह लोग जल रहा हम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माता रानी की पिक लगी हुई है सामने, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी। और यहाँ पे भी मतलब के वो कीर्तन वगैरह होते हैं, भजन कीर्तन वगैरह यहाँ पे होता है। और ये पूरा हाल जब मेले के दौरान ये पूरा हाल बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा। फैनली अभी मेला तो नहीं है शायद, इतने सारे यात्री गाय में उनकी वजह से यहाँ पे भीड़ लगे। ये टोटली जितने भी यात्री हैं काफ़ी हद तक तकरीबन 90% जो कि यात्री यहाँ पे जो कि मेले के हैं जो कि हिंगलाज की ओर रवाना हो रहे हैं। फैनली आप देख सकते हैं महादेव की मूर्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेवल वाली है, बहुत ही बड़ी, और अंदर से आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आगे से पर्दा लगा हुआ है, और बहुत ही बड़ी ये मूर्ति बन रही है। आप देख सकते हैं महादेव और माता पार्वती की, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ऊपर देख सकते हैं आप झंडे बहुत ही ज़्यादा लेवल वाले प्यारे लगे हुए हैं, और उस पर माता शेरावाली की पिक भी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और इस साइड पे भी है कुछ व्यू इस टाइप, देख रहे हैं इस साइड पे भी कुछ है। और पहले ये मंदिर अभी रेडी फुल मुकम्मल नहीं हुआ, और भी अभी हो रहा है, ये देख रहे काम अभी भी चालू है, ये इस सारे मंदिर का काम अभी भी चालू है। यहाँ पे खाना लंगर वगैरह जो कि यहाँ पे तैयार होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लंगर वगैरह तैयार हो रहा है, ये काफ़ी सारे सेवादारी यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख सकते हैं सारा ये लंगर हाल है, ये लंगर वगैरह यहाँ पे रेडी होता है। सो चलते हैं आगे, आपको आगे का भी विजिट करवाते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप भी जलाए हुए है, ये भी छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है, बजरंग बली, हर हर महादेव, जय शंकर, जय श्री राम, हरिओम 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 हरिओम। पहले हमने अपने हेड पे भी तिलक लगा लिया, अब चलते हैं आगे, यहाँ पे भी मंदिर बांधे गए, ये देख रहे हैं काफी सारे यहाँ पे इस दरख्त को भी धागे बांधे हुए, काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ये तिलक फैमिली, हमें ये तिलक लगा रहे भाई, तिलक लगाया। और आगे चलते हैं यहाँ पे, ये भी देखते हैं, ये कृष्ण जी भगवान जी की मूर्ति है, और यहाँ पे ये कपड़ा क्यों लगाया गया है ये भी हम आपको बताते हैं किस वजह से लगाया गया। तो पहले ये शिवादारी, ये क्या वजह आपने ये कपड़ा लगाया हुआ है? ये मुकम्मल बनी नहीं हुई इसलिए यहाँ पे ये कपड़ा लगाया गया है इसके ऊपर, जब ये मुकम्मल नहीं तैयार हो जाएगी तो ये कपड़ा हटाया जाएगा। ये है राधा कृष्णा की मूर्ति, आप देख सकते हैं ये, तो इसके
पास जो है सारा ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा टोटली पहाड़ है, ये देख रहे हैं ये ऊपर तक है ये सारा पहाड़। और साथ में ये छोटी सी और भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं राधा कृष्ण की, ये है इधर भी है, देख रहे हैं आप काफी हद तक प्यारी लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। आगे भी चलते हैं दिखाते हैं, ये त्रिशूल रखा हुआ माता रानी का, सो आगे भी चलते हैं विजिट करवाते हैं। ये हमारे महादेव जी यहाँ पे विराजमान है स्वयं, और साथ में शिवलिंग भी यहाँ पे है, और यहाँ इसके भी हम दर्शन करते हैं और इसके बाद जो कि आगे चलते हैं। पहले हर हर महादेव, जय शंकर। सो चलते हैं आगे, आपको ऊपर का भी देख लें, कुछ इस टाइप का व्यू है इसका, काफी अच्छे से सजाया गया है। सो इसके बाद हम चलते हैं अंदर इसके, और यहाँ पे भी काफी सारी मूर्तियां विराजमान है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, यहाँ पे भी काफी सारे, यहाँ पे संत बैठे हुए ये देख रहे हैं आप, और यहाँ पे है बजरंग बली भगवान जी जो कि यहाँ पे विराजमान है। और सबसे पहले प्रणाम करते हैं हम, जय श्री राम। और यहाँ पे भी है सीता माता राम लक्ष्मण जी, और यहाँ पे विराजमान है, और बजरंग बली जी की भी मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। देख सकते कितनी हद तक लेवल वाला व्यू है इनका, भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सो चलते हैं आगे, ऊपर का भी इसका कुछ इस टाइप का व्यू है। सो फाइनली गाइस ये भी बन रहा है, अभी फुल मुकम्मल रेडी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का व्यू आपको दिख रहा है। जब ये मुकम्मली तैयार हो जाएगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। सो यहाँ पे यात्री और भी आने लगे हैं, भी काफी सारे लग रही है, ये देखे आप। पहले हम आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। चले आगे, कैसे यात्रा कैसे चल रही है? बहुत अच्छी जबरदस्त। कैसे हम उससे साथ में लेके घूमते हैं दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस और भी ऊपर चल के हम लोग आपको इसका विजिट करवाते हैं। तो गाइस हम ऊपर चल के आपको इसका ऊपर से जो भी विजिट करवाते हैं इसका ग्रोथ सी से, तो ऊपर का सीन क्या है कुछ इस टाइप का है, ये देख रहे हैं काफी सारे यात्री जो कि यहाँ पे आराम फरमा सकते हैं। ऊपर इतना बड़ा हाल है, ये देख सकते हैं काफी सारे यात्री आए हुए, ये ऊपर का ये हाल है, यहाँ पे काफी आप लोग आराम फरमा सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हुए ये देख रहे हैं आप। और इससे ऊपर भी ये बनी हुई जगहें बहुत सारी आराम फरमाने के लिए, और इस साइड पे जो कि मंदिर है, और ये मंदिर के कुछ ऊपर का ये हाल है, और यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं बाबा रामदेव मंदिर, और आपको क्लोजली दिखा दे बाबा रामदेव मंदिर, ये देख रहे हैं ऊपर, ऊपर चल के हम इसका क्लोज से आपको व्यू दिखाते हैं। तो पहले आप लोग चलेंगे ऊपर, चलते हैं ऊपर। तो सॉरी गाइस, पिथौरा पीर है, अच्छा इसके साइड में ही है पिथौरा पीर, वो भी आपको विजिट करवाएंगे, देखते हैं चलते हैं आगे कैसे ये लाइन लग रही है। फैमिली गाइस ये आप देख सकते हैं, ये बाबा रामदेव, ये बाबा रामदेव पीर, और ये बाबा पिथौरा पीर तो यहाँ पे है। और ये संत कौन है आप बता सकते हैं, संत का नाम क्या? तो गाइस हमें तो क्लियरली नहीं पता चल रहा, जो भी ये संत बहुत अच्छी है कि यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। सो देख सकते हैं आप, हम इतना नहीं जानते, सो दिखाते हैं आपको। पास में ये शेरावाली माता का मंदिर है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शेरावाली माता का मंदिर, और ये कश्ती में जो ये कश्ती चल रही है, हाँ ये देख रहे हैं आप कश्ती जो कि समंदर में चल रही है, ये देख रहे हैं आप, ये समंदर साइड का बनाया गया है, ये इस टाइप का कुछ समंदर बनाया गया है, ये देख रहे हैं आप। और इसके बाद और भी आगे है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे सेवादारी हो, यहाँ पे कब से सेवादारी आप कर रहे हैं? यहाँ चार पाँच दिन, अच्छा डंडोलियार से आए थे वहां से, और यहाँ पे ये आगे सेवा करने के लिए यहाँ पे विराजमान है, मतलब सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पे पुजारी जी, यहाँ पे कर रहे हैं आरती वगैरह यहाँ पे। सो चलते हैं आप आगे, आपको चल के इसका व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। जय माता दी, काफी सारी ये देखिए माताएं आ रही हैं दर्शन करने के लिए, इनको भी टाइम दें। सो चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको, इसका विजिट करवाते हैं। सो गाइस फाइनली देख सकते हैं आप, और भी चीजें दिखाते हैं कुछ, और इससे पहले यहाँ की मार्केट्स है वो भी आपको दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं मार्केट्स की। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने ही बिल्कुल मार्केट लगी हुई है, और मार्केट का भी आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे काफी सारी ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी माताएं यहाँ पे खुद मतलब कि ये काम वगैरह कर रही हैं, इस ज्वेलरीज वगैरह बेच रही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए माता श्री खुद बेच रहे हैं। जय माता दी। माता श्री आप कहाँ से हैं? टट्टो से। टट्टो से यहीं के रहने वाले हैं?
ये माता श्री यहीं के रहने वाली है, ये जो देख रहे हैं खुद मतलब अपनी मेहनत। अच्छा एक महीने, अच्छा एक महीने के लिए यहाँ पे मतलब कि साल में धंधा करते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे। हाँ पहली माता रानी जो कि बहुत ही रोजी देती है, आप देख सकते हैं ये अपना घर वगैरह सिस्टम ये चला रही है, कुछ इस टाइप से ये मेहनत वगैरह कर रही है। जय माता दी, माता रानी आपको और तरक्की दे, बहुत अच्छी ऐसे मेहनत करते रहना, ठीक है। और यहाँ पे भी माता श्री कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटली, ये देख रहे हैं हमारे मिनोरिटीज के यहाँ पे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं माता श्री, ये देख रहे हैं चूड़ियाँ वगैरह, ये मिनरल्स वगैरह इस साइड में भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे यहाँ पे हैं खिलौने वगैरह ये वो। और इस साइड में ये भाई यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह बेच रहे हैं, ये देख रहे सेल कर रहे हैं, इस साइड में भी है कुछ। मेले के दौरान तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मतलब कि मार्केट वगैरह बन जाती है, अभी तो मेला यहाँ का नहीं है। पहले हम पूछते हैं इनसे ही, यहाँ के मतलब के रहने वाले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि मेला ये कब होता है, तो चलते पूछते हैं भाई से। तो भाई यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे भी मतलब ये देख रहे हैं मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे रखी गई है पिक वगैरह, और ये भाई भी यहाँ पे बेच रहे हैं, और ये माता श्री यहाँ पे भी और भी है यहाँ पे काफ़ी सारे हद तक यहाँ पे कर रहे हैं। तो फैमिली हम उसी माता के पास पहुँचते हैं और उनसे ही जानते हैं कि ये मेला कब होता है, सो कितने दिन का ये मेला चलता है। सो माता आप हमें बताएंगे ये मेला कब होता है? चैत महीना चलता है। ये कितने दिनों का मेला होता है? ये पूरा महीने का मेला होता है। चैत का महीना जो एक महीना होता है वो पूरा महीना यहाँ पे मेला चलता है। जब ये मेला, हाँ काफी सारे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, यात्री काफी सारे आते हैं यहाँ पे काफी जगहों से। तो चलते हैं गाइस आगे, वीडियो को बढ़ाते हैं, चलते हैं आगे बढ़ाते हैं आपको। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, माता रानी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, माता भवानी सिंह का। तो इसके बाद चलेंगे हम लोग हिंगलाज की ओर रवाना होंगे, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।